कौन बनेगा? दसपति। तो हमारे सामने हार सीट पे बैठे हुए हैं, क्या नाम है, नाम बताओ अपना। सतीश कुमार बैठे हुए हैं, चौथी में पढ़ते हैं ये, पांचवी में पढ़ते हैं ये, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टेटवा आगे, ठीक है। तो हम इनके साथ खेलेंगे, कौन बनेगा? दसपति, ठीक है। तो इसके रूल मैं पहले आपको समझा दूं। सब इसमें बारी बारी से आपको पांच सवाल आएंगे। पहले सवाल का मूल्य होगा 1 रुपए, दूसरे का होगा 2 रुपए, तीसरे का होगा 4 रुपए, फिर 8 रुपए चौथे का, और जो लास्ट अंतिम प्रश्न होगा उसका सही आंसर देने पे आपको मिलेंगे 10 रुपए। तो फिर आप बन जाओगे दसपति। तो करें शुरू गेम, ठीक है। गेम का एक और रूल है, आप किसी को एक साथी चुन सकते हो इनमें से, अपने साथी में से कोई एक साथी चुनना है आपने। जब आप किसी सवाल में फंस जाओगे तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, समझ लगी। एक लाइफ लाइन और है ऑडियंस की, जो आपके साथी बैठे हुए हैं, इनसे बोर्ड डलवा के आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उनका जवाब भी गलत हुआ और फिर भी आप उस जवाब के साथ गए तो फिर आपको यहाँ से कोई भी राशि नहीं मिलेगी, कोई भी पैसे नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, आपको लगता है कि ये सवाल सही नहीं है, इसका जवाब मुझे नहीं आता है, तो आप गेम को छोड़ सकते हैं और पिछले सवाल के जो पैसे होंगे वो आप लेके जा सकते हैं, समझ लगी, समझ गए। तो गेम शुरू करते हैं, कौन बनेगा दसपति, तारीफ जाओ। तो सतीश कुमार के लिए हम पहला सवाल पूछेंगे 1 रुपए के लिए, जिसका मूल्य 1 रुपए होगा। बड़े ध्यान से खेलना होगा, सोच समझ के जवाब देना होगा। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए, दो और दो कितने होते हैं? दो, सवाल सुनना है पहले, सवाल सुनना है, और उसके चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से जो आपको लगता है कि सही जवाब है वो चुनना है आपने, ठीक है। तो आपके लिए सवाल था, दो और दो कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। टाइम लेके आराम से सोचना। तो आपको आता है इसका जवाब? तो क्या जवाब है? 4। बहुत अच्छे, ताली बजाओ इसके लिए। 2 और 2 4 होते हैं, है ना, ठीक है। तो 1 रुपया जीत चुके हैं। अब बचे हुए 4 सवाल बचे हैं, उन 4 सवालों के जवाब भी दे दोगे आप तो आप बन जाओगे आज के दूसरे दसपति। एक अजय सिंह जी बन गए हैं, है ना, तो आप भी 10 रुपए जीत के यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल होगा 2 रुपए के लिए, सतीश कुमार के लिए सवाल पूछेंगे हम, तैयार हो? कैट, देखिए कैट क्या होती है, कैट वो एक वाइल्ड एनिमल है या पेट एनिमल है? क्या बिल्ली, देखी जानवर पड़े एनिमल्स, कुछ वाइल्ड होते हैं एनिमल्स और कुछ पेट होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कैट जो है वो वाइल्ड एनिमल है या पेट एनिमल है? पेट एनिमल है, क्या लगता है आपको? पेट, क्या लगता है? पेट है, सही जवाब दिया इसने, बहुत अच्छे, तारीफ जाओ। तो कैट जो है, बिल्ली वो एक पेट एनिमल है ना, एनिमल होते हैं ना जानवर, कुछ एनिमल्स पेट होते हैं, पालतू होते हैं, जिनको हम घर में पालते हैं, हैं? और कुछ जानवर जो होते हैं वो जंगली होते हैं, वाइल्ड में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, समझ लगी। वाइल्ड एनिमल हो गए जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, है ना,
चीता हो गया, तो ये घर में जिनको पालते हैं वो हो गए पैट एनिमल। तो बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर खेला आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसके साथ ही आप जीत गए 2 रुपए। ठीक है, बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। तो देखो ये देखो इतना अच्छा खेल रहा है वो, फिर आपको मौका मिलेगा। तो तीसरा सवाल 4 रुपए के लिए। स्थिति जी तैयार हो आप खेलने के लिए? पूछे सवाल। मुझे बताओ उर्दू में, उर्दू पढ़ते हो आप? अब पढ़ते हो अब आप हर्फ पढ़ते हो? हर्फ हरू पढ़े। उर्दू में कुल कितने हर्फ होते हैं? उर्दू में कुल कितने हर्फ होते हैं, हरूफ होते हैं? आपके ऑप्शन है 35, 35, 36, 36, 37, 37, जहां 38, 38। आप अपना टाइम दीजिए। 4 रुपए के लिए आपके लिए सवाल है, उर्दू में कुल कितने हरूफ होते हैं? जैसे अल्फाबेट्स होते ना इंग्लिश में, ABCDEFGH होते हैं, कितने होते हैं वो? 26 होते हैं, जिसमें कुछ वावल्स होते हैं, कुछ कंसोनेंट्स होते हैं। वैसे उर्दू में सारे कितने हरूफ होते हैं जो अ ब प त ट पढ़ते हैं, वो सारे कितने होते हैं? आपके ऑप्शंस थे 35, 36, 37 या 38। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप अपने साथी की मदद ले सकते हो, या आप इनसे वोट कर सकते हो। आप मदद लेना चाहेंगे? कौन, किसको बुलाएंगे इनमें से, साथी में से? हरीश को, जोर से बोलना जोर से। तो सूर्य हरीश जी आपकी बारी आ गई है, आप आ जाइए और अपने साथी की मदद कीजिए। इनको बताइए कि सारे हरूफ उर्दू में कितने होते हैं, इनके कान में बताइए, फिर अगर ये सहमत होंगे तो जवाब देंगे। उर्दू में सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने साथी को बुला लिया है। अ ब प त ट स जो होते हैं सारे, वो सारे कितने होते हैं? अगर आप इनसे भी सहमत नहीं है तो आप इन में से किसी को और को पूछ सकते हैं, अपने साथियों का की मदद ले सकते हैं। अगर आपका जवाब गलत हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑडियंस में से और कौन इसकी हेल्प करना चाहेगा? किसको पता है अ से लेकर बढ़िए तक कितने हर्फ होते हैं सारे? शाबाश, कोई मदद करना चाहेगा स्तीश की? तो कितना जवाब है आपका? नहीं पता आपको भी? इंग्लिश में भी 26 होते हैं और उर्दू में 26 होते हैं। हाँ, किसी और की मदद लेना चाहेंगे? रोहित, रोहित पे आपको यकीन है, बुलाना चाहेंगे रोहित को? रोहित जी आइए, आप भी इसकी मदद कीजिए, इसके कान में बताइए कितने हैं। थर्टी सेवन जवाब देना चाहेंगे? यकीन है आपको? लेकिन अगर गलत हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यकीन है आपको 37 होंगे? पक्का 37 के साथ जाना चाहेंगे? 37 के साथ जाना चाहेंगे आप? तो सतीश जी ने दिया 37 आंसर, 37 आंसर दिया। आप बैठ जाइए, शाबाश, सारी रही इन दोनों के लिए। किस किस को लगता है कि 37 जवाब होना चाहिए? सैंतीस ही होना चाहिए, सुरक्षा को लग रहा है 37 होना चाहिए, 37 ही होते हैं। फाइनल आंसर है आपका? पक्का? बिल्कुल सही जवाब इसका 37 ही है, शाबाश, तारीफ होती है। इसके साथ ही सतीश जी जीत चुके हैं कितने रुपए? 4 रुपए जीत चुके हैं। दो सवाल लास्ट के, दो सवाल अंतिम सवाल बचे हैं दो इसके। सतीश जी ध्यान से खेलना होगा, अब आपकी दोनों लाइफ लाइन्स खत्म हो चुकी हैं, अब ना ही आप किसी की मदद ले सकते हैं,
और ना ही आप गलत जवाब दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही समझाऊंगा कि अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप इस गेम को यहीं पे छोड़ सकते हो और जो आपने पैसे जीते हुए उनको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से खेलना होगा। ठीक है, तो आपके लिए अगला सवाल 8 रुपए के लिए। What is the name of our block? ब्लॉक होता है, पहले स्टेट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर तहसील्स होती हैं, फिर उसमें ब्लॉक्स होते हैं। 4 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, आपने उनमें से जवाब देना है। पहला ऑप्शन है आपका भंडार, दूसरा ऑप्शन है आपका किटवा, तीसरा ऑप्शन है आपका संदरून, चौथा ऑप्शन है आपका बनी। 8 रुपए के लिए सवाल है, आपको सोच समझ के जवाब देना होगा। क्या लगता है आपको, बनी लग रहा है इनको ब्लॉक बनी? आप में से किसी को लगता है कि हमारा ब्लॉक बनी है? सबको लग रहा है, सबको पता था। बहुत अच्छा खेल रहे हैं अस्ती जी, 8 रुपए जीत चुके हैं, ताली बजाओ इसके लिए। तो हमारे ब्लॉक का नाम क्या आ गया, बनी। बाकी जो ऑप्शन थे, भंडार जो है वो आपकी पंचायत आ गई है ना, ब्लॉक आपका बनी आ गया, तहसील आपकी तहसील भी बनी है, आप पहले बताया ना आजे ने, इससे पहले जो आया था। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या आ गया, कठुआ। स्टेट आपकी आ गई जम्मू एंड कश्मीर। और आपके देश का नाम क्या आ गया, देश का नाम क्या आपके, हिंदुस्तान, इंडिया। शाबाश, ताली जोर इशू के लिए। तो 8 रुपए जीत चुके हैं सतीश जी। अब लास्ट सवाल होगा 10 रुपए के लिए, देखते हैं ये 10 रुपए जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। पूछा जाए आपको लास्ट सवाल, पक्का? ठीक है, बड़े ध्यान से खेलना होगा आपको। अगर जवाब नहीं आता आपको तो आपने क्या करना है, ये इनको कुट कर देना है। ठीक है, तो लास्ट सवाल है आपके लिए 10 रुपए के लिए। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है ना, इंडिया, भारत, उसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का नाम क्या है हमारे देश के? 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, आपने उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। अगर आप सही जवाब देते हो तो आप यहाँ से 10 रुपए लेके चले जाओगे। लाइफ लाइन आपके पास कोई नहीं बची है, अब आप अपने साथी को भी नहीं पूछ सकते। ठीक है, एक जो आपके साथ रिशु था उसको चुना था आपने, उसको भी नहीं पूछ सकते। तो अब आपको खुद से जवाब देना होगा, फिर भी नहीं पता आपको तो आप गेम को छोड़ के यहाँ से 8 रुपए लेके जा सकते हो। ठीक है, तैयार हो? सवाल सुन लिया आपने, 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रखूंगा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश का? आपके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके लिए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन है श्री रामनाथ कोविंद जी। तीसरा ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी जी। चौथा ऑप्शन है श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी। आंसर आता है आपको, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर आता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आता तो जवाब नहीं दीजिएगा। जोर से बोलो, क्या नाम है? श्री रामनाथ कोविंद जी बोल रहे हैं ये स्पीच जी। किसी को लगता है कि हमारे राष्ट्रपति का नाम श्री रामनाथ कोविंद जी है? और किसको लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा, आपको लग रहा है श्री रामनाथ कोविंद जी? यकीन है आपको, पक्का यकीन है, 100% यकीन है? देखते हैं, क्यों लगा था ऐसा आपको? नरेंद्र मोदी नहीं था, हो सकता था। नरेंद्र मोदी कौन है हमारे? शाबाश, नरेंद्र मोदी कौन है हमारे?
वो हमारे क्या है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, एपीजे अब्दुल कलाम जी पहले थे राष्ट्रपति हमारे, श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी तो हमारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी पहले। तो आपने क्या चुना है, रामनाथ कोविंद जी, बिल्कुल सही जवाब है इनका, 10 रुपए दिए चुके हैं आगे, ताली बजाओ चाहिए। तो इस तरह से ये बन गए हमारे आज के, क्या बन गए, क्या बन गए, एक बार फिर से ताली बजाओ इसके लिए। अब इनको यहाँ से 10 रुपए लेके जाना होगा, 10 रुपए से इनको शाबाश, इन 10 रुपए, 10 रुपयों का करोगे क्या आप, क्या करोगे इन 10 रुपयों का, क्या करोगे 10 रुपए का, ये 10 रुपए जीत के जा रहे हो यहाँ से, इन 10 रुपयों का क्या करोगे आप बताओ, सबको क्या करोगे, शाबाश।